गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ नोटिस राइटिंग। ये जो है बेटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है नोटिस राइटिंग। ये पेपर में 3 या 4 मार्क्स का आता है और बहुत बहुत आसान है। जिसने इसको समझ लिया वो कर लेगा अच्छे से। नोटिस राइटिंग बेटे सबसे पहले क्या होता है? नोटिस का आपको मतलब पता होता है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलना, कोई न्यूज़ मिलना, कोई खबर मिलना किसी चीज़ के बारे में। जैसे मेनली कोई चीज़ हमारी गुम हो गई है, या कोई छुट्टी का नोटिस स्कूल में मिलता है, या कोई कंपटीशन है स्कूल में, या कोई स्कॉलरशिप के बारे में है। तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? नोटिस में, कि कोई नोटिस निकला है नया। तो ये बेटे फर्स्ट नोटिस देखो, यू हैव फाउंड अ पर्स लाइंग इन वन ऑफ द लॉन्स ऑफ योर स्कूल। आपको एक पर्स मिला है बेटे, फाउंड का मतलब होता है मिलना, पर्स मिला है लाइंग इन वन ऑफ द लॉन्स ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के बगीचे में, बाग में, बगीचे में। राइट अ नोटिस आस्किंग द ऑनर ऑफ पर्स टू कॉन्टैक्ट यू। आपने एक नोटिस लिखना है कि जो इसका ऑनर है, जो पर्स, जिसका पर्स है वो ले जाए, कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। आपने नोटिस मतलब किसी का पर्स गुम हो गया है और आपने नोटिस लिखना है कि पर्स जो है वो मेरे पास है और मेरे से आके पर्स ले जाए, जिस किसी का भी पर्स है। तो बेटे सबसे पहले बात ये है कि जब भी नोटिस लिखना है आपने ऐसे बॉक्स में लिखना है। देखो मैंने बॉक्स बनाया हुआ और मैंने प्रॉपर स्केल के साथ बनाया हुआ है। बेटे इसका फॉर्मेट अच्छे से लिखोगे तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बॉक्स, कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हाथ सही लाइन में जैसे बॉक्स बना दिया। नहीं बेटे, आपने ऐसे नहीं करना, आपने प्रॉपर स्केल के साथ इस पे लाइंस जो हैं वो लगानी है, फिर नोटिस लिखना है। सबसे पहले ऊपर टॉपिक क्या आएगा, नोटिस सेंटर में होगा, NOTICE नोटिस, इसके सारे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने डेट लिखनी है। डेट लिखने का बेटे पैटर्न क्या है, May 19, 2021। जैसे बेटे आपने जैसे 5, 20, 21, ये जो पैटर्न है ये रॉन्ग है, ऐसे आपने डेट नहीं लिखनी। आपने पहले मंथ नेम लिखना है, फिर आपने डेट डालनी है, फिर आपने ईयर लिखना है, ठीक है। जब भी आपने नोटिस लिखना है या जब भी आपने कोई लेटर लिखनी है। फिर अब बेटे यहाँ पे फाउंड था, ये किसका है, फाउंड मिला है पर्स, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, फाउंड 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 3 टाइम, और 3 टाइम हमने इसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव फाउंड अ पर्स लाइंग इन वन ऑफ द लॉन्स, स्कूल लॉन्स। बेटे वो कहते बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है किसी को कि मुझे एक पर्स मिला है स्कूल के बाग में, बगीचे में। इट इज़ ब्लैक लेदर पर्स, ये जो है वो काले लेदर का पर्स है। द ऑनर शुड कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, जो इसका मालिक है वो मुझे कॉन्टैक्ट करे। अंडरसाइन मतलब जो नीचे मैंने अपना एड्रेस दिया है, नीचे नाम लिखा है, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करके और सारी पर्स की इन्फॉर्मेशन दे के कि पर्स कैसा है, कहाँ गिरा था आपका, तो वो मुझे बता दे और पर्स जो है ले जाए। फिर नीचे बेटे नाम, आप नाम कोई भी लिख सकते हो, मैंने गुलशन राय लिखा है, रोल नंबर, क्लास, ठीक है। ये आपने बेटे नोटिस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बॉक्स जो है वो स्केल के साथ बनाना है, नोटिस के वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल होंगे, अगर फाउंड का है तो फाउंड 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 आएगा। आपने ऊपर से ही देखना है कि नोटिस जो है वो किसके बारे में है, कोई डांस कॉम्पिटिशन के बारे में है, कोई हॉलीडे के बारे में है, कोई ड्रामा क्लब के बारे में है, कोई लॉस्ट के बारे में है, तो वहाँ पे आपने 3 टाइम वही चीज़ लिखनी है। अब दूसरा नोटिस देखो बेटे, यू हैव लॉस्ट रिस्ट वॉच इन योर स्कूल। अब पहला क्या था, फाउंड, अब यहाँ पे क्या आ गया, लॉस्ट, कि अब आपने लिखना है कि जैसे मान लो मैंने नोटिस लिखना है कि मेरी घड़ी जो है वो गुम गई है स्कूल में। राइट अ नोटिस अबाउट द लॉस गिविंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द वॉच, ऑल्सो अनाउंस देयर अवार्ड फॉर द फाइंडर। तो आप कहते हैं नोटिस लिखो कि जिसको भी ये मिले वो मुझे वापस कर दे, और जो भी रिवॉर्ड, और उसको रिवॉर्ड मिलेगा जो भी इसको ढूंढेगा, ठीक है। पहले बेटे था यू हैव फाउंड, आपको किसी की चीज़ मिली है। अब यहाँ पे क्या है, यू हैव लॉस्ट अ रिस्ट वॉच, कि आपने अपनी रिस्ट वॉच जो है गुम कर दी है। सेम बेटे वैसे ही जैसे हमने पहले लिखा नोटिस,
नोटिस हमने कैपिटल सारे वर्ड्स लिखने हैं, वैसे फिर उसके बाद डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे लॉस्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई लॉस्ट माई वॉच यस्टरडे। मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मेरी जो वॉच है वो गुम गई है कल इन द स्कूल ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड। स्कूल में रिसेस पीरियड में इट इज़ अ टाइटन वॉच, ये टाइटन की घड़ी है विद अ गोल्डन चेन। इसकी जो परत है वो सुनहरी चेन है। एनी बॉडी हु हैपन्स टू फाइंड इट शुड कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। अगर किसी को भी ये घड़ी मिले, फाइंड का मतलब तो मिलना, किसी को भी ये घड़ी मिले शुड कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, मुझे नीचे जो मैंने नाम लिखा है उस पर कॉन्टैक्ट करे इमिडिएटली, जल्द से जल्द। ही और शी विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड, और जो भी इसको ढूंढेगा उसको इनाम दिया जाएगा। नेम अगे बेटे नेम लिख देना, आस्था लिखा है मैंने, रोल नंबर और क्लास। ठीक है, देखो बेटे यहाँ पे भी मैंने बॉक्स जो है वो स्केल के साथ बनाया। तो जब भी आपने नोटिस राइटिंग को करना है बॉक्स के साथ, बॉक्स बना के स्केल के साथ, और जो नोटिस सबसे पहले लिखना है, फिर मंथ नेम, फिर जो भी जिसके बारे नोटिस है वो लिखना है, और फिर बाद में अपना जो मैसेज है वो लिख देना है, फिर नेम, रोल नंबर और क्लास। बेटे सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा, और ये आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, जिस बच्चे को कोई डाउट होगा वो पूछ